बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से इस्तीफा देकर के नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। महागठबंधन से नाता तोड़ करके नीतीश कुमार ने ऐसा सियासी दांव चला कि खुद को राजनीति का किंग मेकर बताने वाले लालू प्रसाद यादव भी हैरान रह गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर बिहार के सीएम नीतीश कुमार सियासत के इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए अपनों का साथ छोड़कर विपक्ष का दामन थाम लेते हैं और राजनीति के बड़े बड़े सूरमाओं को कानों कान पता तक नहीं चलता। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बिहार के नीतीश कुमार ने पलटी मारते हुए देश की सियासत में हड़कंप मचा दिया। पटना से लेकर दिल्ली तक शुक्रवार से ही बैठकों का दौर जारी है। खुद को राजनीति का किंग मेकर बताने वाले लालू प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार के सियासी दाव से चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थामने जा रहे नीतीश कुमार को लेकर सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि बिहार के नीतीश कुमार दुनिया के एक लौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सीएम पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से पहले इस्तीफा देते हैं ताकि फिर से शपथ लेकर बिहार का मुख्यमंत्री बन सके, जिसे नीतीश कुमार खुद कई बार सच साबित कर चुके हैं। साल 2015 में दो बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर नौवीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसके साथ बीजेपी कोटे से दो डिप्टी सीएम रेणु देवी और सुशील कुमार मोदी भी शपथ ले सकते हैं। नीतीश के सियासी दाव से लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी में हड़कंप मचा हुआ है। महागठबंधन का डैमेज कंट्रोल वाला प्लान फेल हो गया है। बीजेपी जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बयानों से साफ है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होना तय है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। नीतीश कुमार जी को नहीं जम रहा है ऐसे तो जो है, तो जहाँ तक मुझे मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट से भी जो इनपुट मिला है वो ठीक है। झगड़ा तो बहुत गंभीर है। हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। बिहार में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास बहुमत का आंकड़ा 122 होना जरूरी है। नीतीश कुमार का पाला बदलने से महागठबंधन के पास आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 विधायकों के साथ एआईएमआईएम के 1 और एक निर्दलीय विधायक के साथ कुल 116 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत से 6 कम है, जिससे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आरजेडी की सरकार बनना फिलहाल संभव नजर नहीं आ रहा है। तो एनडीए का दामन थामने के बाद नीतीश कुमार के पास बीजेपी के 78 विधायकों के साथ जेडीयू के 45, जीतन राम मांझी के 4 और एक निर्दलीय विधायक के साथ कुल 128 विधायकों का समर्थन हासिल है, जो सरकार बनाने के लिए बहुमत के जादुई आंकड़े 122 से 6 ज्यादा है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार को साल 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से 7 दिनों बाद ही इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद से नीतीश कुमार ने बिहार में सत्ता के सियासी समीकरणों को ऐसे साधा कि चुनाव में जीत किसी भी दल की हो, पाला बदलकर सीएम की कुर्सी पर खुद विराजमान होते रहे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भले ही दावा करते रहे कि अब की बार बिहार में आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, लेकिन सियासी दांव चलने में माहिर नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ नाता तोड़कर कुछ ही घंटों बाद नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन।